हेलो फीफा लवर्स, सो वेलकम टू द ऑडिशन, वेलकम टू अनदर स्पेशल वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, स्पेशल का बाप होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एक नहीं दो नहीं तीन स्पेशल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एंड सबसे जो बड़ा चीज़ है वो तो गिव अवे स्पेशल है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो लोग फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल के ऊपर, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम में मैं बहुत सारे गिव अवे करने वाला हूँ एक एक करके। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वीडियो था। तो जो जो न्यू आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि गिव अवे कैसे होगा। गिव अवे होगा दोस्तों हर एक मतलब हर बार जब 100 सब्सक्राइबर करके यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर आ जाएंगे, मतलब फैमिली मेंबर आ जाएंगे, तो उसके बाद ही यहाँ पर मैं जो करने वाला हूँ 100 या फिर 110 करके गूगल जो रिडीम कोड है वो मैं यहाँ पर एक एक वीडियो के अंदर दे दूंगा। मतलब 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर ये होगा रिडीम कोड, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, तो इस वीडियो के अंदर भी है एक रिडीम कोड, ठीक है, वो है 110 रुपीज़ का। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वीडियो को विदाउट कोई स्किप करके यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि रिडीम कोड जिस किसी भी टाइम पे यहाँ पर आप लोगों के सामने पॉपअप होकर आ सकता है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए अवेलेबल होगा स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हो तो आप लोगों को रिडीम कोड नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग मिस कर जा सकते हो, ठीक है। एंड आपके बाद जो व्यू करेगा शायद वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को विदाउट स्किप करके पूरा देखना लास्ट तक, एंड तक रिडीम कोड आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिडीम कोड नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट टाइम 2 न्यूज स्पेशल सा न्यूज बताने वाला हूँ, जो कि है हमारा OB22 अपडेट आने के बाद जो गन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा गेम के अंदर, वो है एक स्नाइपर राइफल MA2 भी, शायद आप लोगों को मालूम ही है। तो और उस राइफल का एबिलिटी एंड कत्ते जहर वाला एबिलिटी है दोस्तों, आप लोग सिर्फ लास्ट तक वीडियो को देखना इंतजार करके। एंड यहाँ पर दोस्तों न्यू जो कैरेक्टर आने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होने वाला है। एंड इसका जो एबिलिटी है या फिर नाम है वो मैं सब इसी वीडियो के अंदर बोलूँगा, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कम बको भाट, लेट्स द वीडियो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम ही है, लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। एंड उसके बगल में जो बेल वाला आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए। एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हर एक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर होगा गिव अवे कोड। तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर वो वीडियो शायद आप लोग मिस कर सकते हो, तो इसीलिए नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट होना जरूरी है, ठीक है। एंड अपडेट तो होगा ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोगों का भाई सबसे पहले आप लोगों के पास अपडेट डिलीवर करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले जो अपडेट के ऊपर यहाँ पर बढ़ जाते हैं, वो है न्यू एक इवेंट के ऊपर जो कि है न्यू मैजिक क्यूब इवेंट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सर्वर पे जो स्काल इवेंट चल रहा है, मतलब जो ब्लू कलर का स्काल एंड वायलेट कलर का जो स्काल हम लोगों को मिल रहा है गेम के अंदर से, तो उसी स्काल इवेंट के जैसा ही एक इवेंट आया है इंडोनेशियन सर्वर पे, इंडोनेशियन एंड शायद अरब सर्वर पे। तो जिस इवेंट के दौरान, जैसे कि हमारे इवेंट के दौरान यहाँ पर इवोल्यूशन स्टोन मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर पिक्चर के ऊपर देख सकते हो कि उसी इवेंट उसी सेम एंड सेम जैसा ही एक इवेंट के दौरान यहाँ पर आरोबियन या फिर शायद मुझे उतना ठीक से पता नहीं है कि ये कौन सा सर्वर है, लेकिन दोस्तों उस सर्वर पे मिल रहा है मैजिक क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इवेंट है मैजिक क्यूब वाला इवेंट ही सबसे बेटर है। आप लोगों को क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इवोल्यूशन स्टोन ज़्यादा अच्छा है या फिर मैजिक क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं हमारा जो सेकंड अपडेट है उसके ऊपर। तो सेकंड अपडेट यहाँ पर है दोस्तों न्यू स्पेशल मेले ओपन रॉयल के ऊपर, ठीक है। तो मेले ओपन यहाँ पर जो जो है, जैसे कि दोस्तों पारांग हो गया, पैन हो गया, बैट हो गया, तो ये सबका मतलब अभी तक जितने भी पैन का स्किन बोल सकते हो या फिर पारांग का स्किन बोल सकते हो, वो एक ओपन रॉयल मतलब ओपन रॉयल तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, मतलब मेली ओपन रॉयल के जैसा एक स्पेशल ओपन रॉयल करके यहाँ पर दिया गया है। कुछ कुछ सर्वर पे अवेलेबल है ये, एंड वहाँ पर स्किन करके बहुत सारे नए एंड पुराने भी जो पारांग बोल सकते हो या फिर जो बैट बोल सकते हो या फिर पैन बोल सकते हो, तो उस सभी का स्किन यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हमारे सर्वर पे आए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो इवेंट आने का डेट है वो है 18 मई, ठीक है, कल या फिर परसों यहाँ पर हमारे सर्वर पे आता है या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो नेक्स्ट अपडेट जो है न्यू इवेंट, ठीक है। तो न्यू इवेंट क्या है वो मुझको पता नहीं है, क्योंकि
थाईलैंड सर्वर के ऊपर एक पोस्टर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, एक दो बंडल दिखा के, एक मेल बंडल एंड फीमेल बंडल, तो मैं यहाँ पर बता दिया था आप लोगों को ये हो सकता है मिस्ट्री शॉप का बंडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सर्वर पे मैं देख रहा हूँ कि एक इवेंट करके आया है जो कि ये फीमेल बंडल जो मैंने दिखाया था मिस्ट्री शॉप के लिए, तो वही सेम बंडल यहाँ पर दिया रहा है वो लोग कुछ इवेंट के दौरान, ठीक है। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर मिस्ट्री शॉप शायद यहाँ पर कैंसिल हो सकता है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। अभी तक कुछ सीओ नहीं है क्योंकि दोस्तों इसके पहले वाला एंड उससे भी पहले वाला, मतलब वो भी 20 अपडेट आने के बाद जो मिस्ट्री शॉप आया था जो कि समुराई वाला एक ड्रेस आप लोगों को मालूम है, तो वो ड्रेस भी यहाँ पर कुछ बाहर के सर्वर में कुछ इवेंट में दिया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मिस्ट्री शॉप नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ही का दिन यहाँ पर मिस्ट्री शॉप आ गया था, तो यहाँ पर जो है इवेंट सब सेम नहीं होता है, तो हमारे सर्वर पर मिस्ट्री शॉप होकर ही वो दोनों ड्रेस आ सकता है या फिर उस इवेंट जैसा ही आ सकता है। तो अभी जो इवेंट है वो इवेंट भी यहाँ पर दिया गया है 18 में से 24 में तक, ठीक है। तो हमारे सर्वर पे क्या होता है, वो इवेंट देता है या फिर मिस्ट्री शॉप देता है, थोड़ा दिन वेट कर लीजिए आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो नेक्स्ट अपडेट दोस्तों है लॉबी के ऊपर, ठीक है। तो न्यू लॉबी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो न्यू लॉबी मतलब जो स्टील पिक्चर है जहाँ पे ग्रुप आप लोग क्रिएट करते हैं वो लॉबी भी आप लोग देख सकते हो। एंड गेम के अंदर जाने के बाद आप लोग जहाँ पर लीडर बोर्ड होता है उस वो लॉबी भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो लीडर बोर्ड वाला लॉबी जो है वो मुझको ज़्यादा पसंद आया क्योंकि दोस्तों बहुत ही मतलब एट्रैक्टिव किया गया है यहाँ पर, मतलब चारों तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ बिल्डिंग टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को पसंद आया है या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अपडेट के ऊपर बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट टू अपडेट जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही स्पेशल अपडेट होने वाला है एंड धमाकेदार अपडेट होने वाला है, तो वही लास्ट टू अपडेट के ऊपर हम लोग यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो सेकेंड लास्ट जो अपडेट है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो है न्यू गन के ऊपर। तो न्यू गन का ट्रेलर आप लोग पहले देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ट्रेलर तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे एंड ये जो ट्रेलर है ये अभी तक किसी भी इंडिया मतलब फ्री फायर का किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट बोलिए या फिर यूट्यूब चैनल बोलिए या फिर इंस्टाग्राम बोलिए किसी भी पेज पर नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेलर है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही दोस्तों, एंड और भी बहुत सारे धमाका है जिसके लिए तो लाइक आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस ये जो ट्रेलर है ट्रेलर देख के आप लोगों को क्या लगता है, मुझे तो लगता है ये जो गान होने वाला है ये ओम एंड कर्णन टेट का बाप होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ट्रेलर में जो दिखाया गया है असल में वो जो सच में आ गया है ऐसा ही गान, ठीक है, मतलब M82B। तो यहाँ पर जो होने वाला है इसका रेट ऑफ फायर एंड रिलोड स्पीड बहुत ही अच्छा होने वाला है, मतलब ओम का जैसे कि रिलोड लेते लेते ही एक बंदा ग्लूवाल मार लेता है या फिर भाग जाता है किसी भी जगह पे छुप जाता है, तो यहाँ पर जो होने वाला है शायद इसका जो रिलोड है वो यहाँ पर SKS या फिर ड्रैगन आपके तरह हो सकता है, जो कि थोड़ा कम है लेकिन उतना भी कम नहीं कि एक प्लेयर गार्ड ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये पहले से मैं बता देता हूँ ये एक ऑटोमेटेड स्नाइपर गन है, ठीक है, मतलब असलियत में भी ये एक ऑटोमेटेड स्नाइपर गन है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो फीचर से मतलब फ्री फायर के अंदर जो आ रहा है ये गन भी शायद बहुत ही जहर वाला गन होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों हम लोग बढ़ चुके हैं लास्ट अपडेट के ऊपर। तो लास्ट अपडेट है न्यू कैरेक्टर के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये एलिट मैक्सिम होने वाला है या फिर न्यू कैरेक्टर होने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों गरीना फ्री फायर ने ही ऑफिशियल एक पोस्टर लॉन्च करके इसका नाम जो है रिवील कर दिया है। तो इसके मुताबिक ही हम लोगों को पता चल गया है कि ये होने वाला है न्यू मेल कैरेक्टर, जिसका नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसका नाम है वाल्फरे। अरे कहना क्या चाहते हो, वाल्फरे है इसका नाम, ठीक है, वाल्फरे ही होता है शायद। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो एबिलिटी भी बहुत ही अच्छा एबिलिटी है, मतलब बहुत ही यूनिक से एबिलिटी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो ऐसे एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो एबिलिटी होने वाला है दोस्तों, मतलब आप अगर कोई ये जो है कैरेक्टर जो कि है वाल्फरे कैरेक्टर लेकर अगर खेल रहे हैं गेम के अंदर, तो अगर कोई एनिमी उसका हेडशॉट ले ले, मतलब किसी भी गन से हो सकता है, वो स्नाइपर गन से हो सकता है या फिर बोल सकते हो आप लोग
एआर एमओ गन से हो सकता है, एसएमजी एमओ गन से हो सकता है, शॉर्ट गन से हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी एमओ का गन से, अगर किसी भी गन से उसका हेडशॉट ले लेता है तो हेडशॉट का जो डैमेज रेट होगा वो यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। मतलब डैमेज अगर 100 लगता है था वहाँ पर लगेगा 90 या फिर 80, ठीक है, 90 या फिर 80 लगेगा। अगर सही बात में बोलूँ तो डैमेज घट जाएगा। एंड और एक जो फैसिलिटी है इस कैरेक्टर के अंदर मिल रहा है वो है एट द सेम टाइम वो अगर किसी को, उसी बंदे को अगर फायर करेगा या फिर किसी को फायर करेगा तो उसका बॉडी डैमेज जो है, ठीक है, मतलब लेग या फिर बोल सकते हो जो आर्मर पे जो डैमेज होता है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब उसका जो डैमेज है हेडशॉट का डैमेज घट जाएगा। अगर उसका शरीर पे गोली लगता है तो उसका डैमेज नहीं घटेगा, लेकिन अगर हेड पे लगता है तो यहाँ पर उसका डैमेज घट जाएगा। लेकिन वो जो प्लेयर को मारेगा उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे जो प्लेयर को मारेगा उसका यहाँ पर आर्मर डैमेज एंड लेग पे, अगर लेग यहाँ पर जो लिखा गया है आप लोग देख सकते हो, लेग एंड आर्मर पे जो डैमेज आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एबिलिटी है एंड हम लोग यहाँ पर एडवांस लेवल पे जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो एबिलिटी है कितना कते जहर वाला एबिलिटी होने वाला है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि एडवांस सर्वर 21 मई से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अभी तक कुछ डेट कन्फर्म होकर नहीं आया है। 20 मई पे आप लोगों को एडवांस सर्वर का उसी लिंक के अंदर से जो है डाउनलोड फाइल आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा एंड 21 मई को आप लोगों को ओपन करने के लिए मिल जाएगा। तो सभी को ओपन नहीं होगा यहाँ पर, मेरा खुद का होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। अगर होगा तो मैं ज़रूर लाइव स्ट्रीम करके आप लोगों को सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड आप लोगों को भी हेल्प करूंगा कि अगर आप लोगों का भी हो जल्दी जल्दी, ठीक है, तो एक साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपडेट कैसा था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप जीवन थोड़े टाइम के लिए मिस कर गए तो इसके लिए बुरा मत मानना। अभी भी नाइन गिवे बाकी है एंड 9 गिवे के बाद बहुत ही एक स्पेशल सा गिवे होने वाला है जो कि है डीजे आलोक गिवे, ठीक है। मतलब 2K हमारा फैमिली जो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डीजे आलोक गिवे करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा एंड उनको भी बताना पड़ेगा गिवअवे के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही अपडेट देना था आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल के ऊपर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो छोड़ने के पहले लाइक तो जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।